जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं अपनी फ्रेंड से लेके आई हूँ, उनका सैलून है, हेयर फॉल के लिए कह रही हैं कि बहुत अच्छा है। तो चलिए, मैंने कहा आज इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कोई 2-3 वीक्स के बाद हेयर फॉल में फ़र्क पड़ता है या नहीं। एक्चुअली ये है प्रोटीन हेयर ऑयल, प्रोटीन हेयर ऑयल है, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं जी: कंट्रोल योर हेयर फॉल, एंटी डैंड्रफ, हेल्प फॉर न्यू हेयर ग्रोथ। और ये लोकल है, मेरे ख्याल में वो खुद बनवाती हैं। तो देखते हैं इसको यूज़ करने के बाद। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन करूँगी मैं अपनी शहज़ादी के हेयर्स में, क्योंकि फ्राइडे है कल, तो फिर कल उसका वॉश करूँगी, उसको नहलाऊँगी, तो उसके बालों में मैं लगाती हूँ। चलिए जी, अब मैं लगाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे फर्क पड़े मेरी बेटी को, खुद के बालों को तो कोई मसला नहीं है। ग्रीन से कलर का है, क्योंकि इसमें ना ऑलिव वाले डाल के और बाकी चीज़ें चूंजी वगैरह डाल के तो बनाया गया है। तो लगाती हैं और फिर देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट है। पहले मैं बेबी ऑयल इनके हेयर्स में यूज़ करती हूँ, या सरसों का ऑयल, थोड़ा सा भी नीचे दो। तो आज मैंने कहा कि चलो इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि ये कहती बच्चों के बालों में भी लगा लेते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है। हाँ जी, इसमें करूँगी की और आज मैं अपनी हेयर केयर के बारे में जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ना, वो आपसे शेयर करूँगी। इसमें सबसे पहले जो मैं यूज़ करती हूँ वो मेरा सरसों का ऑयल है, जो कि मेरे वॉशरूम में पड़ा है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। तो ये देखिए, ये मैंने चिल्टन प्योर का बालचर ऑयल, इसको कहते हैं, ये मंगवाया था, ये भी मैंने यूज़ किया, इससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है लेकिन ये है कि मतलब मेरे से ना कॉन्टीन्यूसली, मतलब बाकायदगी नहीं होती कि हर दफ़ा लगाऊं। और इसके बाद ये मैंने सईद गनी का मगज़ियात मंगवाया, ये भी 1-2 दफ़ा लगाया, छोड़ दिया, क्योंकि इससे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये जिस दिन मैं हेयर डाई के लिए गई थी ना अपने नज़दीक वाले सैलून पे, तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया कि तुम ये वाला ना यूज़ करके देखो, है तो छोटी सी बोतल, शायद 250 ml की है, 1000 का है ये वाला ना, ये मेरी बेटी ने, छोटी ने ना आधा गिरा भी दिया सुबह कल। और इसके साथ ये एक ऑयल है, ये भी जनाब सब किसी यकीन नहीं दिया था कि ये भी बालचर का ऑयल है, और मेरे ख्याल में ये जमा हुआ है ही, इसमें शायद होगा कोकोनट ऑयल होगा। और ये जो सबसे बेहतरीन चीज़ है बालों के लिए, ये है सरसों का ऑयल, ये देखें पानी से भरा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गए मेरे ऑयल। मैंने अपने बालों में क्योंकि करवाया था कैरेटिन, इससे पहले जो मैं कैरेटिन मास्क यूज़ करती थी वो थे लॉरियल के, और वो काफ़ी कॉस्टली थे, 5000 के, और वो जार भी इससे भी छोटे थे। वो ख़त्म करके तो ये तकरीबन मैंने 3-4 जार ख़त्म किए हैं। 1 ईयर से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, जितना मैं कहूँ उतना ज़्यादा अच्छा है। और ये 1000 ml में है, और ये अब हो गया है आई थिंक 1500 का, या शायद इतना ही है। और ये मैं ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ। तो सबसे पहले अपने अपने बालों में ऑयलिंग करनी है, शैम्पू करना है, देन उसके बाद अपने शैम्पू रिंस ऑफ करके, यानी कि वॉश करके, उसके बाद आपने अपने बालों में इसको अप्लाई करना है, रूट्स छोड़ के 5-10 मिनट रखना है, और उसके बाद अपने अपने बालों को में से ये निकाल लेना है, ठीक है। और जो शैम्पू मैं कहूँगी कि आपको यूज़ करना चाहिए, वो कैरेटिन बालों में, जिनके बालों में बम फटा होता है या ड्राई हेयर्स हैं, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब एक और जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये भी मेरी फ्रेंड ने, जिनसे मैंने ऑयल लिया, ये ब्राज़ील कैरेटिन कोलेजन हेयर मास्क है, क्योंकि अब कॉल उनके कि ये यूज़ करें, इससे आपके बाल ब्रांड बन जाएंगे, इनके बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आज है जी इसकी बारी, इसको यूज़ करके देखते हैं। और बाकी चीज़ों के तो मैंने रिव्यूज़ आपको दे दिए हैं कि जो 5-5 हज़ार के, 6-6 हज़ार के यूज़ करें मास्क, ये वाला मास्क है, लोकल है, बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ करें, लॉरियल को छोड़ें, बाकी चीज़ों को छोड़ें जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ना कि 3-4 जार मैंने इस वाले कैरेटिन मास्क के ख़त्म किए हैं, और ये तकरीबन 3 मंथ्स के, मतलब कहीं भी नहीं जाता, क्योंकि 1000 ml होता है इसमें, ठीक है। और अपने बालों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि मैंने हिफाजत नहीं की तो मेरे बाल बहुत थिन हो गए हैं, बहुत हेयर फॉल है, और ड्राई इचिंग है मेरे बालों में। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अगर कोई यूज़ करना चाहे ये सारी चीज़ें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं यूज़ कर चुकी हूँ सिवाय इसके।